नमस्कार दोस्तों। कौन बदलेगा यहाँ तेरी बुरी तकदीर को, देखता है क्यों अमीरों की किसी तामीर को। गर अगर तू चाहता तेरी अलग पहचान हो, हौसला करके मिटा देना गलत तहरीर को। हर घड़ी हर आदमी बेचैन होकर घूमता, ख्वाब होते हैं अलग, तरसे सभी ताबीर को। ढूंढ ने से कब मिला सबको मुकम्मल ये जहां, कौन कब बेच डाले तेरी किसी तस्वीर को। गीतांजलि गुप्ता जी की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ मैं बात शुरू करता हूं, क्योंकि आज देश बेचा जा रहा है और देश की जो हालत है उसको लेकर के हम सब जानते हैं। तकदीर तो कोई बदल नहीं रहा है, नाम बदल रहा है। तामीर जो है किस तरीके से, सारी चीजों को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात आती है सामने कि हमने कौन सा भारत बनाया है, कौन सा इंडिया बनाया है, कौन सा हिंदुस्तान बनाया है, और क्या हम इसको समझते हैं, और किस हिंदुस्तान की, किस भारत की, किस इंडिया की हमने तस्वीर देखी थी। हमने एक सपना देखा, उस सपना क्यों रोज पर रोज तोड़ा जा रहा है, बिखर रहा है, क्योंकि जिन्हें इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी थी वही उसे तोड़ने में जुटे हैं, बर्बाद करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए सब कुछ चाहिए। तो इसलिए ये हालत है, और जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से बात बनती है कि आखिर कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं। एक छोटी सी मैं बात बता, 440 ईसा पूर्व ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, यानी जब ईसु मसीह भी नहीं हुए थे, जब महाभारत, जो श्रीमद् भागवत और ये सारे जितने ग्रंथ है तब तक नहीं लिखे गए थे, तब ग्रीक के उस इतिहासकार ने 440 ईसा पूर्व उसने लिखा था, इंडिया के पूर्व में एक भूभाग है जो पूरी तरह से रेत से बना हुआ है, एशिया के पूर्व में जहां सूर्योदय होता है इंडिया उसके सबसे करीब। आप ये समझिए। इसके बाद 400 से 300 ईसा पूर्व जो है इसको होंदू कहा गया, और हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है, फारस के राजा अहासुरस ने होदू, इंडिया जिसे कहते, होदू से कुश इथोपिया जो है तथा 172 प्रांतों पर शासन किया, यानी भारत उनके शासन में था, यह बात भी हमें जाननी होगी। इसके बाद 300 ईसा पूर्व इंडिया इंडिके कहा गया, और ये ग्रीक इतिहासकार थे मेग स्थनीज, ये भारत में राजदूत थे और ये यूरोप के राजदूत थे यूनान के, और इन्होंने इंडिया जो पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिरा है, वही पश्चिम में सिंधु नदी से लगा यह देश उत्तर दिशा में जो है जिस तरीके से है उसको सबको उन्होंने वर्णन किया, इसकी सीमाओं का वर्णन किया। इसके बाद में 200 ईसा पूर्व इसको नाम दिया चाणक्य ने जम्बू दी। अब आप देखते चलिए कहां कहां से क्या क्या नाम आ रहे हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अपने लिखा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी सीमा सिंधु नदी के मुहाने पर है, इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर या राम सेतु की ओर है। तो आप ये समझिए, जो हम आज जिसे राम सेतु कह रहे हैं उसे वो उन्होंने हिंद महासागर। और पहली शताब्दी में ईसा पूर्व और नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है अनुमानित है, तब भारतवर्ष का नाम आया, यानी कितने बाद में आया, तब विष्णु पुराण में इसका जिक्र होता है और वहां से यह आया। इसमें कहा गया समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। अब आप जान,
ये विष्णु पुराण से आता है कब? 100वीं शताब्दी, शताब्दी के पहले और बाद के उस दौर में, जो वो 100 साल का पीरियड। अब आप समझिए, इसके बाद में 2062 ईस्वी आ गई, उसमें इसे हिंदुस्तान नाम दिया। नक्श ए रुस्तम ईरान के शासनी सम्राट शापुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया जाता है। फिर 1020 ईस्वी में इसे हिंद कहा गया और अल बरूनी ने इसे हिंद कहा और उन्होंने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसके कितने नाम आए। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो इंडिया ही आता है। इंडिया से पहले कोई भी नाम नहीं था जिसे आप भारत कह दें या कुछ कह दें। कहीं मगध राज्य होता था, कहीं कुरु राज्य होता था, कहीं द्रविड़ राज्य होता था, कहीं कोई और राज्य होता था। भारत नाम का कोई भी राज्य, देश कुछ भी नहीं होता, और वो देश कहलाते थे, मगध देश, कुरु देश। तो ये स्थिति। इसके बाद में ईसु के पैदा होने के 440 साल पहले, यानी ईसाई धर्म के पहले, जब कहीं पर भी अंग्रेजी हुकूमत किसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, तब यह नाम आया, सबसे पहला नाम। इस क्षेत्र को इंडिया कहा गया। साहब यह एक सत्य। चलिए, इस पे बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का जो मुद्दा है उस पे करते हैं। संसद का विशेष सत्र लाया जा रहा है, उसी दिन लाया जा रहा है 18 सितंबर को, जिस 18 सितंबर 1949 को इंडिया नाम कंफर्म किया गया था। तो उसके एवज में 2023 में आ रहा है। अब पता नहीं किसका नाम कंफर्म होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो एक तो ये, दूसरा एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जो पूरी एक कमेटी बनाई गई है, और पहली बार उसमें राष्ट्रपति जैसे पद का इस्तेमाल किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जो है उसकी प्रमुखता कर रहे हैं, और उन्हें भी शर्म नहीं आई, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और उसमें विपक्ष की भारी जो भागीदारी है वो ना के बराबर है, एक सदस्य सिर्फ रखा है, बाकी आधा दर्जन सदस्य जो है भाजपा के कह दीजिए, सरकार के कह दीजिए, मोदी के कह दीजिए, आरएसएस के कह दीजिए, जो भी कह। तो उस बैठक में विपक्ष से जो एकमात्र अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में नेता हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह मनमानी ढंग से हो रहा है और मुझे इसकी कोई भी सूचना उस तरीके से चिट्ठी भेज के और किसी तरीके से नहीं आई। एक जूनियर लेवल का कोई व्यक्ति उन्हें कॉल करके कहता है ऐसे मीटिंग बुलाई गई, आप आ जाए। गजब की स्थिति है। कमेटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उस नोटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से बुलाया जाता है। आप सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि जो भी आप मनमानी करें, आप कहें देखिए कांग्रेस के भी तो सदस्य थे, इसलिए उन्होंने इसकी उपस्थिति से इनकार किया। तो जब यह स्थिति हो, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम सब जानते हैं। जब से इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उस दिन के बाद में इंडिया शब्द पर हमला होना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे कभी घमंडी कहा, घमंडिया कह दिया, कभी कुछ और कह दिया, और खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया। आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की एक गरिमा होती है, और उस आदमी ने अपनी गरिमा खो दी। और गरिमा तो वैसे थी नहीं उस शख्स की, लेकिन फिर भी जो गरिमा पद की होती है वो भी उसने खो दी। आज प्रधानमंत्री जैसे पद को वह व्यक्ति बैठा हुआ है जिस व्यक्ति का अपना निजी व्यक्तित्व तो बहुत छोटा है, जिसे जो कहा तमाम लोगों ने और मणिशंकर अय्यर ने कि एक नीच प्रवृत्ति का
तो वह चीज हम देखने को मिलती। कहां इस पद पर इतने महान लोग बैठते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ऐसे लोग बैठते थे। और कहां इस तरीके से छिछले लोग बैठ रहे। तो जब ऐसे बैठेंगे तो वही करेंगे। भाई आपने खुद ही गलती करी, चौकीदार आपने चुना, चाय वाला आपने चुना, तो चौकीदार या चाय वाला उसका स्तर क्या होगा सोच का? वो चाय हो सकता है अच्छी बना ले, वो चौकीदारी अच्छी कर सकता है, हो सकता है घर की, लेकिन दुकान की जिसकी भी, लेकिन वो देश चलाएगा वो तो नहीं कर सकता। उसके लिए तो उस स्तर के व्यक्ति को लाना पड़ेगा, उसका दिमाग हो, उसकी शिक्षा हो, उसके बहुत सारी चीजें हो। तो ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल जब आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से चिट्ठी लिख करके पूछा था कि आखिर यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, क्योंकि कोई भी सत्र बुलाया जाता है तो उसकी पूरी एजेंडा सूचना पहले दी जाती है विपक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं को और इसको ऑफिशियली घोषित किया जाता है, लेकिन यहां नहीं पता है कि क्यों बुलाया जा रहा है। एक सस्पेंस बरकरार, नरेंद्र मोदी सस्पेंस बरकरार करने में बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा अचानक एकदम से 8 नवंबर 2016 को प्रकट हुए थे और क्या बोले थे, आज इतने बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा और नोटबंदी हो गई, फिर इसी तरह जीएसटी हो गई, फिर इसी तरीके से बहुत कुछ हो गया और सब कुछ हो गया। तो अब उन्होंने ये सस्पेंस रखा है। बहरहाल उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जबकि कानूनन जवाब देना चाहिए था। चलिए वो देंगे भी क्या, क्योंकि उनके हिडन एजेंडे हैं और वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कह दिया, हम सरकारी इन जो एजेंडे हैं, आरएसएस के एजेंडे हैं, भाजपा के एजेंडे हैं, हम उस पर न बहस करेंगे न उस पर चर्चा करेंगे, हम तो देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे पर बात करेंगे, हम बात करेंगे कैसे देश के छोटे उद्योग व्यापार धंधे बर्बाद किए गए हैं उस पर चर्चा करें, हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कानूनी जो गारंटी देने की बात कही थी, वायदा किया था, वो क्यों नहीं हुआ और उस पर क्या किया गया, मौजूदा स्थिति क्या है। हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर चर्चा करेंगे कि अडानी के घोटाले और उनको ठेके पट्टे दिलाने के लिए जो आप बार बार उनके एजेंट का काम करते हो उस पर चर्चा करेंगे, ये आखिर 20,000 करोड़ किसके, जो राहुल गांधी बार बार पूछते रहे। उनका हम चर्चा करेंगे जाति जनगणना की और जनगणना पर चर्चा हो इसको लेकर के हम करेंगे, हम संघीय ढांचे को जिस तरीके से ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, देश के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, इतनी भीषण आपदा आई और कई राज्यों में और भी जगह कहीं पर सूखा पड़ा, कहीं इस तरह की स्थितियां हुई और इस पर आपने क्या किया, क्यों नहीं मदद दी, क्यों नहीं आपदा राहत कोष से जो कानूनन उन्हें मदद का अधिकार था वो आपने दिया। हम बात करेंगे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर चीनी सीमा सेना ने अतिक्रमण कर रखा है और वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं। हम बात करेंगे हरियाणा जैसे तमाम जगह को लेकर के, हरियाणा, मणिपुर, जो भी कुछ है, जहां कहीं पर भी सांप्रदायिक तनाव की बात हो रही है, जहां सांप्रदायिक दंगे आपके द्वारा कराए जा रहे हैं और राज्य पोषित दंगे कराए जा रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। हम मणिपुर की हिंसा पर स्थिति स्पष्ट करने को कहेंगे, क्योंकि आपने पिछले सदन में कहा था कि अब हिंसा रुक गई है, लेकिन रोज ब रोज वहां हिंसा हो रही है, रोज ब रोज लोग मारे जा रहे हैं और एक सेपरेट तरीका बन गया है, तो ये क्या है, आपने बांट दिया है, जो राहुल गांधी ने कहा था आपने भारत माता को का कत्ल कर दिया है, सही में कत्ल हो गया। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे देश को लेके, हम चर्चा करेंगे उन सारे मुद्दों को लेकर के जो मुद्दे सामने खड़े, और उन्होंने कहा विशेष सत्र जो आपके विशेष एजेंडे पर है, हम उसके मुताबिक तो नहीं चल सकते।
यह स्थिति है, और जब यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से इन सबको लेके चिंता करनी पड़ती है। इसी को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने यहां सभी इंडिया गठबंधन के दलों की एक उनके संसदीय दल की बैठक बुलाई और उस बैठक में चर्चा की कि अब हमें किस ढंग से किस रणनीति के तहत इस लड़ाई को लड़ना है और देश के लोगों के हकों को बचाना है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति पैदा होती है कि आप आखिर कर क्या रहे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई श्रीमती इंदिरा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की, उसमें भी यह तय हो गया कि किस तरीके और जनता के जरूरी मुद्दों पर खुल के लड़ेंगे, सामने लड़ेंगे, ना कि हम उसका बहिष्कार करें। यानी हम आपको, आपकी जो देश की संसद है उसमें घेरेंगे और बताएंगे कि आपने कितना गलत किया है, कैसे गलत किया है। यदि आप इस तरह से करते हो तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप श्रीलंका को तमाम फायदे देने जा रहे हो इस एवज में कि उसने अडानी को आपके कहे पर बगैर किसी टेंडर के ठेका दे दिया। यानी आप देश बेचते हो उनके लिए, उन्हें लाभ दे करके आप उसका लाभ उधर दिलाते हो। ये दलाली का काम होता है, हम इस पर बात करें। तो ये दलाली जो है, और राहुल गांधी बार बार कहते हैं अडानी मुद्दे पर, प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों पर और इन सब पर एक बृहद जांच होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए, और इसको लेकर के जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि ये रुपया किसका है ये सामने आना जरूरी है, क्योंकि वास्तव में ये रुपया भारत की जनता का है जो आपने लुटाया है। यह पैसा आरएसएस का है, बीजेपी का है, किसका है, यह बात सामने आना चाहिए। या किसका काला धन है, क्योंकि काला धन तो देश में लौटा नहीं, जो आपने आज से 9.5 साल पहले वायदा किया था। अब तो करीब करीब आपके बोलते बोलते 10 साल होने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देश को दिया क्या? भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, नफरत, हत्याएं, बेटियों से बलात्कार, नंग परेड, क्या आपने दिया? आपने भले ही तमाम अस्पतालों में एम्स लिखवा दिया हो, लेकिन लोगों को दौड़ के नेहरू के बनाए ही एम्स में जाना पड़ता है। तो आप समझिए, आप न वैसे आईआईटी बना सकते हो, न एम्स बना सकते हो, न कुछ बना सकते हो। आप सिर्फ नाम बदल के अपना टैग लगा सकते हो, और वही कर रहे हैं, और उसका भी इतिहास आपको पता नहीं। आप अंग्रेजी शब्द बोलते हो, अंग्रेजी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा पढ़ लेते तो कुछ पता चल जाता, लेकिन वो पढ़ते कैसे। इसके साथ मैं आप पर छोड़ता हूं, आप सोचिए कि आपने किस व्यक्ति को चुना, और ऐसे व्यक्ति को चुना जो आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके समाज का, देश का, सबका भविष्य बर्बाद कर रहा है। आपको वह व्यक्ति पप्पू लगता था, जो व्यक्ति सच बोलता था, जो व्यक्ति 15 साल से जो जो बोलता आया वही सच हुआ है, एक भी चीज उसकी गलत नहीं हुई है, जो भी उसने बोला है वह आपको पप्पू लगा। वह व्यक्ति जो झूठ, मक्कारी सब कुछ परोसता रहा वो आपको सच्चा लगता है। तो फैसला आपको करना है, आपको किसके साथ खड़ा होना है। जय हिंद।